हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आप बहुत सारे कैंडिडेट जो हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंटों ने बिहार स्टेट एग्जाम्स जो है 2023 में इन्होंने भाग लिया होगा। ऐसे में अब चिंता बनती जा रही है कि आखिर रिजल्ट्स कब घोषित किए जाएंगे। आपको मालूम है कि पहले आधिकारिक जो नोटिफिकेशंस आए थे उसमें बताया गया था 18 सितंबर को एग्जाम्स जब 15 सितंबर को ख़त्म हो जाएंगे तो 18 सितंबर को आपके रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे में कुछ कैंडिडेट्स का बाद में भी एग्जाम लिया गया, 18 सितंबर को भी इन लोगों ने भी एग्जाम्स दिया, तो ऐसे करके 18 सितंबर की जो डेट था उसको डिले कर दिया गया। और इसकी अभी तक घोषणा की गई है या नहीं की गई है, इस वीडियो में हम आपको पूर्ण रूप से बताने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। कई ऐसे यूट्यूब चैनल पर आप जाते होंगे जहाँ पर कई दिनों से आपको दिखाया जा रहा होगा कि 10 मिनट पहले, एक घंटा पहले, आधे घंटे पहले, एक दिन पहले जो है रिजल्ट आ गया, या फिर आज ही रिजल्ट आ रहा है, इतने बजे आ रहा है। ऐसी फेक चैनलों से आप जरूर सतर्क बना रहिए। हम आपको देंगे सच्ची और बेहतर खबर, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। एक एक चीज को मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2023 जो लिया गया है उसमें आंसर शीट्स भी लगभग सभी विषयों का अपलोड कर दिया गया है। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको अपने आंसर पर आपत्तियां होंगी, उन्होंने भी अपने आपत्ति दर्ज करा दिया है। जबकि कुछ ऐसे विषय थे जिनके जब आंसर की डाउनलोड किया गया, जैसे कि साइंस विषय का, उसमें भारी संख्या में गलत जो है किया गया था, इसको रिवाइज करके फिर से एक नया चीज लेकर के आ गया। और उसके बाद अब कही जा रही है कि जो एग्जाम्स के रिजल्ट्स आपको दिए जाएंगे उसमें संख्याएं बहुत अधिक हो जाएंगी पास करने वालों की। कुछ ऐसे विषय थे जिनके जो पेपर्स थे वो थोड़ा सा हार्ड था, कुछ ऐसे विषय थे जिनके पेपर्स बहुत ही आसान थे। ऐसे में जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए तो इसका नियम यही होता है कि उसको नॉर्मलाइज करके इसका रिजल्ट जारी किया जाए। तो जहाँ तक मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएँ चल रही है और नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से रिजल्ट आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप शुरू से बने रहिएगा। सबसे पहले ये खबर जो छपी हुई है उसमें देखते हैं, बिहार बोर्ड एसटीईटी 2023 परीक्षा के नतीजे जल्द जारी हो सकते हैं। बिहार बोर्ड की ओर से अभी रिजल्ट जारी करने की तिथि का ऐलान नहीं किया गया है, इतना बात समझ लीजिए। लेकिन ये समझ लीजिए कि 2 से 3 दिनों के अंदर आपको जो है जो रिजल्ट आपका लगभग 90 से 95% चांसेस बनते हैं कि आपके रिजल्ट अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन इसका कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दिया गया है। कोई भी आधिकारिक जानकारी अगर आती है तो उसको सबसे पहले हम इस यूट्यूब चैनल पर लाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे की बातें करेंगे, नहीं किया गया लेकिन संभावना है कि नतीजे बहुत ही जल्द जारी कर दिए जाएंगे, इतना बात समझ लीजिए। अब रही बात की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, अगर रिजल्ट्स जारी होता है तो आप अपने रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे? नॉर्मलाइजेशन अगर हो रहा है तो किनको ज़्यादा थोड़ा सा इस बात में चिंता नहीं करना है और किनको फायदे होने वाले हैं, ये सभी चीज़ों को हम आगे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे एक बिंदु मैं समझाता हूँ। में आगे देखते चलते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड की ओर से सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो आप मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पेपर 1 भी दिया, पेपर 2 भी दिया, उन सभी के रिजल्ट्स जो है बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में कहा जाए बिहार एसटीईटी रिजल्ट की घोषणा जो है मुख्य रूप से, यानी कि आपको bseb.com पर भी जारी किया जाएगा। यही बात करें कि एसटीईटी रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने रोल नंबर व डेट ऑफ बर्थ के जरिए ऑनलाइन करके चेक कर सकेंगे। एसटीईटी रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी यहां भी अपने जो है अपने रोल नंबर डाल करके उसको अपना जो रिजल्ट्स है वो चेक कर सकते हैं। अब रहेगी बात कि आखिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होगी। दोस्तों ऐसे में बताते चलूँ मैं कि अभी फिलहाल करीब करीब मैं जैसे न्यूज़ में सुन पाया कि लगभग 4 लाख के करीब करीब कैंडिडेट्स सीटेट एग्जाम्स में बैठे थे और उसमें बहुत ही कम मात्रा में जो है रिजल्ट्स हुई है। ऐसे तो मायूसी 6 to 8 में बैठने वाले कैंडिडेट्स या 1 to 5 में जो DLED थे उनको बहुत सारे मायूसियों का मतलब सामना करना पड़ा है। और ऐसे में देखिए बिहार स्टेट एग्जाम्स जो हुआ बिल्कुल जल्दी से जल्दी हड़बड़ गड़बड़ करके, किसी का छूटा, किसी का लिया गया, किसी का इधर उधर, बहुत सारे समस्याएं आई हैं इस बीच में, पता नहीं ये क्या चल रहा है। तो अब आपको नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या है, इसके अंदर कौन सी प्रक्रियाएं चल रही है, ये बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर रही है। तो इस प्रक्रिया को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझते रहिए हमारे साथ कि नॉर्मलाइजेशन पद्धति से तैयार होगा रिजल्ट। बिहार बोर्ड माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति से तैयार किया जाएगा। बताते चले इसमें बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है, ये पता नहीं क्या हो जाता है एकाएक BSEB को, ये कौन कौन से नियम लगाने लगते हैं। BSEB ने कहा है कि ऐसी ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा जो अभ्यर्थियों की अधिक संख्या होने के चलते कई तिथियों एवं कई शिफ्टों में ली जाती है, उनमें मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाती है। इसमें सभी स्टूडेंट को एक लेवल
टेबल पर लाकर उनकी असल रैंक निकाली जाती है। वही डकवर्थ लुईथ वाला हिस्सा हो जाता है, जो बहुत आगे जाने वाले हैं वो पीछे हो जाते हैं, जो पीछे जाने वाले हो हैं वो आगे हो जाते हैं, ऐसा भी कभी देखा जाता है। स्टूडेंट के कहता है कि स्टूडेंट को एक लेवल पर लाकर उनकी असल रैंक निकाली जाती है। एक लेवल पर लाने के लिए स्टूडेंट के बीच मुश्किल पेपर या आसान पेपर वाला अंतर खत्म हो जाता है। STET परीक्षा में यह संभव है कि कुछ परीक्षार्थियों का पेपर आसान आया और कुछ का मुश्किल आया। किसी भी परीक्षार्थियों को इससे नुकसान या फायदा न हो, इसके लिए बोर्ड जो है रिजल्ट तय करने के लिए जो मार्क्स नोटिफिकेशन है उसका फॉर्मूला अपनाएगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही सा। जैसे ही कोई भी अपडेट निकल करके आता है हम आपके सामने बिल्कुल सच्चे रूप से प्रदान करेंगे। शुक्रिया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।